नमो नमः। महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल में भविष्य का दर्पण कार्यक्रम में डॉक्टर एवी मोहनदास आपके स्वागत करता हूं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले मैं मेरे सभी गुरुजनों का याद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस स्थिति में बनाया है। वो गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करता हूँ जो मुझे अक्षराभ्यास से लेकर PhD तक सहायता की है। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। आज पूर्णिमा तिथि है, गुरु पूर्णिमा के नाम पे जाना जाता है। आज के दिन व्यास पूर्णिमा, जो महाभारत लिखा था उनके जो रचयिता है व्यास पूर्णिमा, उनके याद में मनाया जाता है। आज हमको गुरुओं के याद करने की परंपरा रही है भारतीय संस्कृति में। आज चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र में स्थित है, दोपहर 11:02 तक। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। पहले हम चलते हैं मेष राशि की ओर। राशि स्वामी मंगल केतु के नक्षत्र में पंचम स्थान में, चंद्रमा भाग्य में, गुरु राहु युति दूसरे भाव में, पेट से संबंधित परेशानियां रह सकता है। खाने पीने में सावधान रहे, अलर्ट रहे। उसके बाद हम चलते वृषभ राशि की ओर। चंद्रमा अष्टम भाव में है, वाहन चलाते समय सावधानी रहें। शादी विवाह के बारे में कोई समाचार आ सकता है, हो सकता है कि आपके घर में कोई आए, इनवाइट करें शादी, या शादी की पत्रिका आपके घर में आ जाए। मिथुन राशि, धनलाभ होने के योग दिख रहा है। व्यवहार में मधुरता रखें, मधुर संबंध बनाए रखें। कर्क राशि वालों के मन व्याकुल रह सकता है। सूर्य भारवी भाव में होने के कारण स्थानांतरण के समाचार मिलने की, मतलब ट्रांसफर की शुभ सुभावट या खबर मिलने की संभावना बढ़ जाता है। सिंह राशि, सावधानी बरते। पहले से हमने अभी तक जो बताया है, अग्निमार्द योग से सबसे ज़्यादा प्रभावित राशि है। हर व्यवहार में सावधानी बरते। हार्ट का पेशेंट हो तो बिल्कुल डॉक्टर लोगों की सहायता ले और उनसे कंसल्ट करें। दवाई पानी टाइम पर लेते रहें, उनके हिसाब से चलें, व्यायाम वगैरह करते रहें, उनके हिसाब से ही जीवन यापन करें। अगर कोई डॉक्टर लोगों ने अगर आपको हार्ट के सर्जरी के बारे में सलाह दी है, जरूर मैं कहूँगा कि सेकंड ओपिनियन जरूर ले लें। हनुमान चालीसा रोज पढ़े सिंह राशि वाले, और प्रभु श्री राम और हनुमान जी की याद करते रहें। कन्या राशि, पानी से नुकसान होने की संभावना दिख रहा है। आज पानी पीते समय कहाँ से किस प्रकार की पानी है ये देखें, ये सुनिश्चित करें कि साफ सुथरा पानी हो, उसके बाद ही सुनिश्चित करने के बाद ही पानी पिए। तुला राशि, गोचर चंद्रमा तीसरे भाव में है, धनलाभ होगा आज की तारीख में। वाहन चलाते समय सावधानी बरते, चोट लग सकता है। वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचे, दूसरों के
दूसरों के हाथ होने वाले अपमान से अपमान होने की संभावना है, इसलिए वाद विवाद से कभी भी आज के दिन बच के रहें। वाहन सेविंग बनाने के प्रयास सफल नहीं होंगे आज की तारीख में, कुछ बचा आज का खर्चा कम करके बचाने का कोशिश करना आज मुश्किल हो सकता है। धनुराशि, नए वस्त्र प्राप्त होंगे, अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है, जीवन साथी से सुख प्राप्त होगा। मकर राशि, चंद्र बारहवें भाव में है, गुरु दृष्टि से आर्थिक स्थिति सुधर सकता है, परेशानियों से थोड़ा मुक्त होने की संभावना है। कुंभ राशि, यात्राओं में बाधा आ सकता है, वाहन ब्रेकडाउन रास्ते में ब्रेकडाउन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, सावधानी बरतें। मीन राशि, धनलाभ होगा आज के दिन में, शत्रुजन परास्त होंगे या मित्र बन सकता है, एक तो वो परास्त होने के बाद आपका मित्र बन सकता है या वो परास्त होकर अपने आप निकल जाएगा। बस आज के दिन भविष्य का दर्पण कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे महाराष्ट्र टीवी 24 चैनल में भविष्य का दर्पण दूसरा खड़ी लेकर। धन्यवाद। शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट, तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, अनुभवी डॉक्टर्स से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयां मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता, शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।